जी अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों को जो जो वीडियो को देखते हैं लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं चैनल को ठीक है। ये छोटा सीजा के साथ से आप लोग में गाँव है बगल गाँव में ये बकास का किचन बनाया हमने ठीक है। तो इनसे इनका मतलब कि सारा सेटअप है ठीक है, इनको दिखाते हैं ये चीज़ें जो जो हमने लगाई है, थोड़ा आपको इसका खर्चा भी बताते हैं ठीक है। ये सबसे पहले तो दाखिला ये किया हुआ है हमने, फोर पास की डिगर है, फोर पास की डिगर है, हेड्रोलिक तो दे लगे हुए हैं, इसको ऑटोमेटिक जाके क्लोज होती है। और इसके आगे ये डोर सीधा आ गया, ये जैक वाले डोर, और विंडो के बीच में विंडो को भी हमने हाफ विंडो इसके अंदर बीच कवर की हुई है, ये ग्लास स्टैंड लगा हुआ है नीचे इसके। चीजों की फिनिशिंग देखनी है, हैंडलेस में सारा बना हुआ है, टोटल हैंडलेस में ये फोर डोर ऐसे सीधे खोलेंगे सारे एक चार रुपए में आ रहे हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है ठीक है। ये यूवी में बना हुआ है टोटल, ये कार्नर में बड़ा कैबिनेट है, कुछ चीज बड़ी लगनी हो तो वो भी आप इजीली आ सकती है ठीक है। ये फ्रूट फ्रूट टोकरी है इसके अंदर, और इसके साथ ये वाला डोर आ गया, ये हैंडलेस में। और सबसे अच्छी बात है हम रमजान में स्पेशल रूट लगा रहे हैं, बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होने वाला, आप भी सुनिए। ये खुशी रमजान के लिए स्पेशल रोड है, इसमें डबल सिस्टम होता है, अगर टच करना हो स्पीड तेज करनी हो स्लो करनी हो। ठीक है, तीन किस्म की इसमें स्पीड होती है, ऐसे ही ये एक रोड ये आ रहा है, और अभी ये आपको नीचे वाले हिस्सा दिखाते हैं, हम तो सीधा आ रहा है। ये कार्नर पे है, इसमें काफी ज्यादा इस तरह की स्टोरेज है इसके अंदर। ये स्पाइसर है जो हमारे गुड के हैं, वो हर किचन में बना के दे रहे हैं। ये नीचे वाला हिस्सा वाटर प्रूफ बना हुआ है ठीक है। आपको बहुत से लोग कहते हैं भाई वाटर प्रूफ नहीं होते, भाई इसको जैसे चाहे आप यूज कर सकते हैं ठीक है। ये जैसे चाहे जितना मर्जी इसको पानी लगाएं, क्योंकि यहाँ पे मिस्त्री ने जो मार्बल रखा हुआ है ये इसके बराबर है, ये 3 इंच दोनों होना चाहिए सर, ताकि जो पानी गिरे नीचे गिरे, इसलिए ऐसा नहीं है वाटर प्रूफ बनाना पड़ रहा है। तो अभी इसका हम आपको खर्चा भी बताते हैं ठीक है। चीजें आपने देख ली, पूरे किचन का आपको खर्चा बताते हैं, ये पूरा किचन बना हुआ है होटल लाटर चूल्हा ये फ्रूट टोकरी ग्लास स्टैंड डाल के 360,000 रुपए का ठीक है। हाफ पेमेंट हम पहले लेते हैं कस्टमर से, बाकी जो हाफ पेमेंट होती है वो जब काम क्लियर हो गया तब लेते हैं। तो विकास भाई से जानते हैं कि ये किचन कैसा बना है, विकास भाई बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह इनके साथ काम करके मुझे बहुत जो है ना अच्छा लगा, उसकी वजह ये है कि इन्होंने एक तो टाइम जो है ना वो बहुत कम लिया है, बेसिकली मैंने तकरीबन 5 दिन पहले इनसे जो है ना डील हुई है, तो माशाल्लाह आज देख रही है सारी चीज़ें इन्होंने ऑन द स्पॉट जो है मुझे दे दी। और एक चीज़ मैं इसमें जो है ऐड करता जाऊँ, मैंने देखे काफ़ी किचन ना तो वो जो लगाते हैं एक इस चीज़ पर आप ज़्यादा गौर कर रहे हैं, वो लगाते हैं एक हैंडल जो उसको क्या बोलते हैं जेट जो एक बंद लगाते हैं, इसमें माशाल्लाह इन्होंने 2 दिए हुए हैं, तो काम ओवरऑल इनका बहुत अच्छा है, मुझे मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। और ये कि जो पेमेंट बाकी है सर ये नहीं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इनकी 1,40,000 रुपये पेमेंट बकाया थी, मतलब कि 3.5 लाख का किचन था, तो 2 लाख पेमेंट पहले आई थी, 1,40,000 को गया था, वो भी विकास भाई ने क्लियर कर दिया है ठीक है। उसमें ऐड था जो है ये होटल ऐड था एवरीथिंग इन्होंने लगाया है ना, मैंने कुछ नहीं उसमें प्लस ये जो उन्होंने बनाया है लाटर के साथ तो हमें इतने ऑर्डर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सियालकोट में हमें 70% जो काम है वो सियालकोट में आ रहा है ठीक है। अभी भी जब ये क्लियर हुआ है 2 साइज आज भी क्लियर लेने हैं किचन के ठीक है, टोटली हमारे वर्किंग में सियालकोट नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इधर ब्रांच खोलेंगे अपने सियालकोट में ठीक है। लव यू हो गया बाकी सबको।